महारैली निकाली गई। फतेहाबाद गोपाल गार्डन में विश्व आंदोलन महारैली निकाली गई। निशान लोगों ने काफी सेल सिंह राणा खुले आम घूम रहा है। भाजपा सरकार गुंडे लोगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सेल सिंह राणा ने बहन सांसद फूलन देवी की हत्या कर दी। जेल से सेल सिंह राणा को रिहा कर दिया गया है। निषाद समाज के लोगों में काफी रोष रहा। निषाद समाज ने गोपाल गार्डन में हजारों की संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सरकार झूठे वादे करती है। आइए पूर्व में सरकारों ने निषाद समाज को गुमराह करने का काम किया है। सपा भाजपा सरकार ने वादा किया था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की बात कही, लेकिन सरकार बनते ही अपने वादों से मुकर गए। निषाद समाज को गुमराह करने वाली सरकार को निषाद समाज आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में सबक सिखाएगी। क्या आंदोलनकारी बंधुओं, आप जरा यहाँ मंच पर आकर के बताइए, ये चंद्रिका निषाद यहाँ आए हैं क्या? चंद्रिका निषाद समाज के लोग जाकर के बेगम हजरत माता को भरने का काम किया था कि ऐसे अपाहिज आदमी मुख्य अभियुक्त बन गया। क्या मेरे फतेहाबाद के लोगों, इटावा के लोगों, आंदोलनकारी आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के करके कहो, क्या आपको वहां पर चंद्रिका निषाद बुलाए थे क्या? वहां चंद्रिका निषाद बुलाए थे क्या? प्रथम अभियुक्त है, पहला अभियुक्त कौन होता है? जो कार्यक्रम को करवाता है। बोलिए, आज यह बात को ज्ञापन देकर के कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इसकी जांच करानी पड़ेगी। जिस दिन मैंने जांच के लिए मांग किया, उसी दिन एक आदमी की हालत फतली हो गई। एक आदमी, पूरे प्रदेश में सबकी नहीं, सिर्फ एक आदमी की हालत पतली हो गई। वो आदमी कौन है मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ गए। कम से कम 2000 लोगों का मेरे पास फोन आया होगा, अरे जयप्रकाश जी जांच मत कराइए, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आप बताइए गड़बड़ क्या हो जाएगा? अरे जिस दिन वहां हत्या हुआ, आंदोलन हुआ, धरना हुआ, धरना में आपने कहा कि तत्कालीन नेता साजन मां का सिर श्यामलाल यादव ने गोली मरवाया है, अगर श्यामलाल यादव ने गोली मरवाया तो जांच कराने में क्या तकलीफ है भाई? अगर इसको ने गोली मरवाया, प्रशासन ने गोली मरवाया, तो जांच क्यों रोकना चाहते हैं? जांच क्यों रोकना चाहते हैं? किया गया है उसका क्या उद्देश्य रहा है? आज वो समाज को जगाना चाहता हूँ कि ये समाज उस हत्यारों को क्यों नहीं अभी तक पकड़ा जा रहा है, क्यों नहीं जेल में बनाया है? आज ये गरीब का बेटा कर देता है, उसके लिए कानून है, उन लोगों के साथ उनके लिए कानून क्यों नहीं है? मैं इसीलिए ये प्रोग्राम किया है और मैं समाज को बुला रहा हूँ कि आप लोग ये बताओ और इसके खिलाफ कुछ आदमी किया गया है। आज एक कार्यक्रम जांगना फूलन देवी के शहादत दिवस मनाया गया। ये शहादत दिवस इस प्रदेश और देश में संदेश देने का काम करेगा। इस समाज के लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, कतई किसी के गुमराही का शिकार नहीं होंगे। बहुत लोगों ने भजाया, समाजवादी पार्टी ने भजाया, बहुजन समाज पार्टी ने भजाया, तमाम कांग्रेस ने भजाया, सभी ने भजाने का काम किया वोट बैंक के रूप में, लेकिन अब निषाद समाज जा चुका है, उसको अपना अधिकार मानो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही निषाद समाज आंदोलन किया, जैसा आंदोलन समाजवादी पार्टी के मुखिया
श्री मुलायम सिंह यादव जी हमेशा करते रहते हैं। उसी कड़ी में इस समाज के लोगों ने जब आंदोलन गोरखपुर में किया, उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसी इटावा का रहने वाला अखिलेश निषाद को मौत के घाट उतारने का काम किया और आज तक उसकी जांच नहीं हुई, उसको न्याय नहीं मिला और ना ही उसके लिए कोई भी तरह की व्यवस्था और सुविधा दी गई। आज ये समाज उलन देवी के शहादत दिवस के अलावा ये आज किसान आंदोलन को तेज करने के लिए आज उत्तर प्रदेश की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से मांग करती है कि उस आंदोलनकारी के गोली से जो मारा गया, जो भी आंदोलनकारी जो अखिलेश निषाद मारा गया उसका जो जांच होनी चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, इस समाज को मार्गदर्शन मिलना चाहिए और उसको आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए। इसी कड़ी में पूनम देवी की हत्या की माँ जो घूम रहे हैं खुले में, उनकी क्या मांग है आप लोग? हमने कह दिया जो भी माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार चल रही थी उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं करवाई। आज जो है निषादों को गुमराह करके अपने साथ निषादों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई ही नहीं होगा। निषाद समाज अब जाग चुका है, माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव के बहकावे में आने वाला नहीं। कैसे क्या इसके लिए कोई रणनीति बनाई गई आगे? इसके लिए रणनीति बनाई गई है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का अगर निषादों के प्रति ये घड़ियाली आंसू और घड़ियाली जो है लोक लुभावना जो भी काम करते हैं उनके बहकावे में अब आने वाली नहीं है। क्योंकि मैं आज आपको बता दूं, जब 2012 की सरकार चल रही थी उनकी, उसके पहले मैनिफेस्टो में माननीय अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में घूम घूम करके कहा था कि मैं 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करवाऊंगा, लेकिन जब उनकी सरकार बनी मैं विधायक बन करके गया और माननीय अखिलेश यादव जी से मैंने सदन में पूछने का काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब तक शामिल करा देंगे, उन्होंने मुझे धारा बताना शुरू कर दिया। कौन ऐसी उनके पास कानून व्यवस्था आ गई? 2012 में वो संविधान की धारा बता रहे थे लेकिन जा रही थी उसमें निषादों की याद आ गई और इस 17 जातियों को आरक्षण देने की बात कह डाली उन्होंने, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए और उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। अभी समाज जाग चुका है, निश्चित तौर पर उनके बहकावे में आने वाला नहीं है, ये समाज अपना रास्ता स्वयं चुनेगा। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।